12वीं कक्षा में सफल विद्यार्थियों का सत्कार मंगलवार को मनपा मुख्यालय में अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल के हाथों किया गया। मनपा मुख्यालय में हुए सत्कार समारोह में उपायुक्त प्रकाश वराड़े, शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कछवे सहित सभी आला अधिकारी उपस्थित थे। आंचल गोयल ने सफल विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही कम आए रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपक्रम चलाने की बात भी कही। विज्ञान संकाय व पिछड़ा वर्ग समूह में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा मैथिली तामगाड़ के इसे 71.17% अंक मिला। वाणिज्य संकाय में एम के आजाद उर्दू कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा अनम परवीन मोहम्मद नफीस शेख ने 82.33% अंक प्राप्त कर प्रथम रही। कला संकाय में सानी गुरुजी कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा कासिबा नाज सिराज ने 69% अंक प्राप्त किए हैं। हमें पढ़ने के लिए जिस टाइम पे हम कंफर्टेबल है उस टाइम पे पढ़ना चाहिए। मैं रात को 9 से 2-3 बजे तक पढ़ती थी डेली, और हमारे कॉलेज के टीचर्स लोग, सर लोग भी बहुत सपोर्टिव थे, और इसके पीछे सपोर्ट में मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे, और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ज़्यादातर मेरे पापा ने। हमें मोटिवेशन के लिए कभी भी यूट्यूब से ज़्यादा हमें पापा की तरफ देखना चाहिए कि वो किस तरह से मेहनत करते हैं। हमें खुद से अंदर से मोटिवेशन आती है। मेरे को अभी 70.86% मिले, ये मैंने बहुत मेहनत किया था इसके लिए, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है अभी भी। तो ये इधर के कॉलेज के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है और हमें सपोर्ट करती है और पढ़ाती भी बहुत अच्छा है। मैं 8-9 घंटे पढ़ता था, मतलब एक बार चालू किया तो ख़त्म ही करना है ऐसा। पूरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, बहुत बहुत सपोर्ट किए थे, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं डाले थे। हाँ, मुझे इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस से, और इंजीनियर बनना है। इस बार 12वीं कक्षा में मनपा स्कूलों के 81.86% विद्यार्थी ही सफल हो सके हैं, जबकि गत वर्ष 12वीं का परिणाम 95.58% था। ऐसे में साल भर में ही 13.72% रिजल्ट गिरा है। जो भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा में मनपा स्कूलों से सफल हुए हैं, वे खुद और शिक्षकों के भरोसे हुए हैं। आला अधिकारियों की अनदेखी और कुशल मार्गदर्शन के अभाव को रिजल्ट में गिरावट के लिए पालक जिम्मेदार मान रहे हैं। जब भी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है तो अपने स्टूडेंट डेज में हम वापस चले जाते हैं। जब भी हम अपने रिजल्ट कैसे देखे थे, 10वीं का कैसा रिजल्ट आया था, 12वीं का कैसा आया था, तो वो सब यादें जो हैं वो वापस आ जाती हैं। हर बार की तरह कल की भी न्यूज़पेपर हेडलाइन यही होगी कि लड़कियों ने बाजी मारी। आज आपने देखा कि सभी मैक्सिमम हमारी भी जो लड़कियां हैं उन्हीं के ज़्यादा गुण आए हैं। मतलब हमें विचार करने की ज़रूरत है कि क्या लड़के कम मेहनत कर रहे हैं या लड़के और चीज़ों में और होशियार हो रहे हैं और पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं। ये हमें विचार ज़रूर करना चाहिए। एक माझे नातेवाईक होते, त्यांनी बऱ्याच वर्षापूर्वी हे सांगितलं होतं की 9वी 10वी 11वी 12वी या 4 वर्ष ज्या मुलांनी मेहनत केली, परिश्रम केलं, त्यांच्या पूर्ण आयुष्यभर त्यांना काही अडचण होणार नाही। चांगले कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेणार आणि त्याचं फल त्यांना पूर्ण जीवनभरात मिळणार। आणि ज्या मुलांनी ही 4 वर्ष जर व्यर्थ गेले तर त्यांना पूर्ण लाईफभर स्ट्रगल करावा लागणार आहे। आता हे सर्व पुढची पिढीने पण निर्णय घ्यावी की काय करायचं आहे आपल्या जीवनात। स्पर्धात्मक युग में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक ध्यान देने के लिए मनपा के आला अधिकारियों को पहल करनी चाहिए थी। परीक्षा काल व उसके पहले शिक्षा विभाग की भागदौड़ संभालने वाले आला अधिकारी ने कभी भी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों का हाल नहीं पूछा है। प्रशासक राज में तो विद्यार्थियों की सुध तक लेने वाला कोई भी नहीं बचा। शिक्षाधिकारी के भरोसे शिक्षा विभाग को छोड़ दिया गया है। निधि की कमी और बेहतर शिक्षकों के अभाव में ही रिजल्ट में सुधार नहीं होने के आरोप लग रहे हैं। पार्कों के बीच ये भी चर्चा है कि आला अधिकारियों के पास आधा दर्जन से अधिक विभागों की जिम्मेदारी होने से वे ध्यान नहीं दे पाते। कैमरा पर्सन राजकुमार पोहट के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।